नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। कर्नाटक के मैसूरू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। यह चुनाव प्रचार के लिए विशेष रूप से तैयार पीएम मोदी के वाहन की ओर एक मोबाइल फोन फेंका गया। उधर पुलिस ने बताया कि उन्होंने वाहन पर फोन फेंकने वाले व्यक्ति को ढूंढ लिया है, लेकिन इसके पीछे उसका कोई बुरा इरादा नहीं था। पुलिस का कहना है कि रोड शो के दौरान बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता से उत्साह में फोन हाथ से छूट गया, उसने किसी दुर्भावना से ऐसा नहीं किया था। उधर पंजाब सरकार ने बीते रविवार को लुधियाना के ग्यासपुरा इलाके में गैस रिसाव की घटना में मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। लुधियाना जिले के ग्यासपुरा में हुई गैस रिसाव की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है, जबकि सिविल अस्पताल में इलाज करा रहे 4 मरीजों की हालत खतरे से बाहर है। मामले में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है और दोषी की तलाश की जा रही है। उधर दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती संघ WFI के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वाली पहलवानों को सुरक्षा मुहैया कराई। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि शिकायतकर्ताओं को जल्दी बयान दर्ज कराने को कहा गया है ताकि आगे की जांच की जा सके। सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज होने के बाद उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को इन पहलवानों को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया था। राजद्रोह कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार यानी कि आज सुनवाई करेगा। इनमें से एक याचिका एडिटर्स गिल्ड ने दायर की थी। सुनवाई में विवादास्पद दंडनीय प्रावधान की समीक्षा के सिलसिले में अब तक उठाए गए कदमों से केंद्र की तरफ से न्यायालय को अवगत कराए जाने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून और इसके तहत दर्ज की जाने वाली प्राथमिकी पर रोक लगने संबंधी 11 मई के अपने निर्देश की अवधि पिछले साल 31 अक्टूबर को बढ़ा दी थी। साथ ही प्रावधान की समीक्षा करने के लिए सरकार को उपयुक्त कदम उठाने के लिए अतिरिक्त समय दिया था। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला की पीठ ने इस कानून की वैधता को चुनौती देने वाली 16 याचिकाएं सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की हैं। उधर पटना में कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में गांधी जी के प्रपौत्र तुषार गांधी ने लोगों को संबोधित किया। वहीं तुषार ने कहा कि देश में नफरत की राजनीति चिंता का विषय बन गई है, जिससे निपटने के लिए गांधी जी के आदेशों पर चलने की जरूरत है। राहुल गांधी भी एकता का संदेश दिया था कि नफरत की राजनीति करने वालों से लड़ाई लड़नी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही अहिंसा के रास्ते पर चलने वाली पार्टी है। इस दौरान उन्होंने BJP पर और RSS पर निशाना साधते हुए उन्हें अंग्रेजों का सलाहकार बताया। तुषार ने कहा कि गांधी के हत्यारों को आज याद रखने की जरूरत है। स्थिति जो खराब हुई है, गरीबों के थाल से दाल गायब है, सब्जी गायब है, उसकी चिंता प्रधानमंत्री जी को करनी चाहिए। आज 2022 है, जब उनका 100वां एपिसोड आप बता रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी बता रही है, उन्होंने खुद ही वायदा किया था कि देश के किसानों का आमदनी 2022 में हम दुगना काम करने का काम करेंगे। एड़ी उठा उठा के लोकसभा और राज्यसभा में भाषण किया करते थे, लेकिन आज स्थिति यह है कि किसानों की आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, उनका लागत खर्च जरूर तिगुना चौगुना हो गया। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNP न्यूज़।